अकोला। दिवाकर रावत ने क्षतिग्रस्त कृषि का निरीक्षण किया। भारी बारिश से प्रभावित फसलों के नुकसान के लिए परिवहन राज्य मंत्री दिवाकर रावत ने आज अकोला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सीधे किसानों के बांध का दौरा किया। लगातार हो रही बारिश के कारण विदर्भ की फसलों का सफाया हो गया है। अकोला जिले में अधिक वर्षा और औसत वर्षा के कारण हजारों हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहले से ही पिछले सप्ताह के दौरान मग और जुड़ास गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। कई क्षेत्रों में सोयाबीन खेत में सड़ा हुआ होता है और शरबत की कलियां छट जाती है। जब कपास की पहली फसल ही आई तो बारिश से पूरा माल नष्ट हो जाता है। लगभग सभी दलों ने जिले में सूखे की घोषणा करने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री दिवाकर रावते ने आज अकोला जिले के दाहेगांव गांव में पलासो वादे कोलखेड़ जहांगीर सहित कई गांव के किसानों के इस पृष्ठभूमि प्रभावित खेत का निरीक्षण किया। इस समय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार कृषि के बारे में जानकारी सरकार तक पहुंचाकर किसानों की मदद जल्द से जल्द पाने की कोशिश करेंगी। माझे पाहणे अजून चालू आहे। पाणीमध्ये आता समोर प्रत्यक्ष आल्यानंतर अनेक गोष्टी नवीन येतात। सर्वसाधारण तुमच्या माध्यमातून लोक कापसाचं पीक गेलेलं आहे, सोयाबीनचं गेलेलं आहे, मूग गेलेलं आहे, उडीद काही ठिकाणी गेलेलं आहे असं सगळं दिसतं। पण प्रत्यक्ष आता आल्यानंतर जे बघतो त्याच्यात आणखीन फरक असतो। पहिल्या एका गावात गेलो तर तिकडे विजेचा विषय त्यांनी मांडला। तर ह्या भागातल्या सक्तीची वीज वसुली रद्द करावी हा एक विषय आहे। त्यानंतर जी पिकाचे नुकसान झाले त्याचे विमा लगेच मिळाले पाहिजेत हा एक विषय आहे। पण मी त्याच्यानंतर त्या विम्याच्या संदर्भात पुन्हा नवीन नवीन 7-12 द्या अमुक द्या करता त्यांना विमा काढतानाच सर्व दिलेलं असल्यामुळे तेच ग्राहित धरून त्यांच्या विकासाचा सरकारचा जो पंचनामा येईल त्या पंचनाम्याप्रमाणे करावा हा एक भाग झाला। ज्याने विमा काढला त्यांना विम्याची रक्कम तर मिळेल, तसंच ह्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भात सरकार जी नुकसान भरपाई जाहीर केली ती तर त्यांना मिळेल, परंतु इतरांनाही त्याचा ज्याने विमा काढला नाही त्यांनाही हा लाभ मिळाला पाहिजे सरकार नुकसानीचा हा एक